नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ सरकारी लर्निंग पॉइंट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम 23 मई 2019 को जो RRB JEE का एग्ज़ाम हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट व थर्ड शिफ्ट के जो जनरल साइंस के क्वेश्चन थे दोस्तों वो करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं जो आने वाले समय में आपको महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आज का एक पहला क्वेश्चन था कि कॉफ़ी निकाली जाती है, तो कॉफ़ी है जो दोस्तों बीज से निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों ब्रोम्स मॉडल का फैलाव, तो दोस्तों कोणीय गति से होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा ग्रीन हाउस गैसों को प्रभावित करने वाली गैसों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो संख्या 6 है। क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा ग्रीन हाउस गैसों को प्रभावित करने वाली संख्या 6 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, तो दोस्तों ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है वो 8 है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों अम्लीय पदार्थ फिनफथलीन को गहरे गुलाबी रंग से रंगहीन में बदल देते हैं, तो अम्लीय पदार्थ से जुड़ा क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन था कि कौन सी गैस मुक्त होती है जब इथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा तत्व न्यूट्रॉन नहीं रखता है, तो दोस्तों हाइड्रोजन है वो न्यूट्रॉन नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पौधे में सबसे बड़ी कोशिका, तो दोस्तों एसिटाबुलेरिया है वो पौधे में सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों जस्ते का प्रयोग किया जाता है गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन है साबुन सोडियम और पोटेशियम लवण के मोनो कार्बोजिलिक अम्ल होते हैं, तो दोस्तों सोडियम साबुन से ये क्वेश्चन आया था कि साबुन सोडियम और पोटेशियम लवण में कौन से अम्ल होते हैं, तो दोस्तों मोनो कार्बोजिलिक अम्ल होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पौधे में सबसे बड़ी कोशिका, तो दोस्तों एसिटाबुलेरिया है वो पौधे में सबसे बड़ी कोशिका है। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों जस्ता का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आँखों से संबंधित बीमारी, तो दोस्तों ग्लूकोमा है वो आँखों से संबंधित बीमारी है। तो कार्बन यौगिक जलने पर काला धुआं देता है और नीला रंग की ज्वाला देता है, तो दोस्तों कार्बन यौगिक वो जलता है तो नीले रंग की ज्वाला देता है और धुआं काला देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रायोफाइट्स पौधे की प्रजातियों का एक समूह है जो फूलों या बीजों के बजाय बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं, तो दोस्तों ब्रायोफाइटा से क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बेकिंग सोडा के कच्चे माल के रूप में NaCl का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों विकासवाद के सिद्धांत से ये क्वेश्चन था, इसमें चार्ल्स डार्विन सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि सबसे बड़ी कोशिकाएं शुतुरमुर्ग का एक अंडाणु है, सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका मादा डिंब है दोस्तों, और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका पुरुष युग्मक है यानी शुक्राणु है, तो दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक्यूपंक्चर उपचार में का एक रूप है जिसे शरीर पर एक विशिष्ट बिंदुओं पर किसी व्यक्ति की त्वचा के माध्यम से विभिन्न गहराई तक बहुत पतली सुइयों को सम्मिलित करना शामिल है, तो यह दर्द को दूर करने में मदद करता है, तो दोस्तों एक्यूपंचर से एक क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन था दोस्तों वो था ब्रायोफाइटा से और बेकिंग सोडा, एक क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों सेल के अध्ययन से, एक क्वेश्चन आया हुआ था उत्तक का अध्ययन से, एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कवक के अध्ययन से। तो सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं दोस्तों, और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग, तो दोस्तों कोशिका का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है, यह 1.6 किलोग्राम या 3.5 पाउंड की औसत से सबसे भारी अंग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लोहे का संक्षारण है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया है दोस्तों, इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो लोहे का संक्षारण है दोस्तों, इसका सही उत्तर था रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आवर्त सारणी में क्षैतिज रेखाएं हैं, तो दोस्तों आवर्त सारणी में क्षैतिज रेखाएं हैं वो आवर्त इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और साबुन का सह उत्पाद तो ये ग्लिसरीन होता है दोस्तों, और सर्वदाता समूह पूछा गया था तो O- होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो दोस्तों बेरी है वो विटामिन B1 से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दूध का pH मान कितना, तो 6.7 है वो दूध का pH मान होता है, और निमोनिया से प्रभावित अंग है, तो दोस्तों लंग्स है वो
निमोनिया से प्रभावित अंग होता है और एक शरीर का सबसे मजबूत अंग पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेलाकाइट किसका अयस्क है? तो चांदी का अयस्क है। परमाणु और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है दोस्तों परमाणु भार के बराबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल तो फार्मिक अम्ल होता है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व होता है दोस्तों फ्लोरीन होता है। और सबसे ज़्यादा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है तो दोस्तों नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम और ब्रोमीन के टूटने पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? दोस्तों संक्रमण प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक पहुंचाता है। अधिकांश सिराएं ऊतकों से निकले रक्त को हृदय तक ले जाती है दोस्तों। तो अपवाद है जो फुफ्फुसीय सिरा है। तो ऑक्सीजन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है तो विटामिन के है दोस्तों। और एक CHO का क्रियात्मक समूह है तो दोस्तों एल्डिहाइड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो आज के एग्जाम के अंदर आए हुए थे दोस्तों। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।